नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का माय अलायंस ग्रुप यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरुआत जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी और उसको आगे आगे सक्सेस मिलती गई, तो आज हम कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज वह भारत की नहीं परंतु पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कहला जा सकती है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में काम करने का एक्सपीरियंस है। जैसे टाटा केमिकल सेक्टर में काम कर रहा है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है जहां वो चाय बेचता है टेटली टी टाटा टी, वो पानी बेचता है हिमालयन वाटर, फिर वो एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहा है, वो स्टील के क्षेत्र में काम कर रहा है, वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी टाटा सबसे आगे है और सर्विस प्रोवाइडर्स में भी टाटा सबसे आगे है। तो इन सभी क्षेत्रों में काम करने से टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है और टाटा के पास हाल में 100 से ज़्यादा कंपनी टाटा ओन कर रही है। टाटा इस 100 से ज़्यादा कंपनी की ओनर होते हुए वह 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इस समय ऑपरेशनल है। टाटा की सभी सर्विसेज 100 से ज़्यादा देशों में अभी अवेलेबल है और टाटा की सभी प्रोडक्ट्स और सर्विस मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि टाटा कंपनी पूरे दुनिया में 150 से ज़्यादा कंट्रियों को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रही है। तो आप इसी फिगर्स से देख सकते हैं कि टाटा कंपनी कितनी बड़ी है। आइए हम आगे के कुछ और फिगर्स देखते हैं। एक 2014 में रिपोर्ट आया था कि दुनिया की सबसे बड़ी 500 ग्लोबल ब्रांड्स कौन सी है। उस रिपोर्ट में टाटा को 34th नंबर मिला था, यानी टाटा 34th नंबर पर है जो दुनिया की सबसे बड़ी 500 ग्लोबल ब्रांड का रिपोर्ट है। टाटा कंपनी की जो स्टील कंपनी है टाटा स्टील है, वो एशिया खंड की सबसे पहली और सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। टाटा की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो पानी से ऊर्जा बनाती है, वो दुनिया की एक सबसे पहली और सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है और वो ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है। मैंने आप लोगों से कहा था कि टाटा वह विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, तो चलिए देखते हैं कि वह विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कैसे है। दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट आदमी है वह बिल गेट्स है, जिसकी कंपनी का रेवेन्यू 89.95 बिलियन डॉलर्स 2017 में रहा है। अगर हम फेसबुक की बात करें तो उसका रेवेन्यू 40.65 बिलियन डॉलर्स का रहा है, और जब हम टाटा की बात करें तो टाटा का 2017 में रेवेन्यू वह 110 बिलियन डॉलर रहा है, जो इन दोनों कंपनियों से आगे है। अगर हम टाटा के एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में बात करें, जो ईयरली एक्चुअल प्रॉफिट आता है, तो वह प्रॉफिट दुनिया की 134 कंट्रीज की जीडीपी से आगे है। यानी टाटा का एक कंपनी का प्रॉफिट वह 134 कंट्रीज की जीडीपी से ज़्यादा है। हम इंडिविजुअल नेटवर्थ की बात करें तो बिल गेट्स का नेटवर्थ है 100 बिलियन डॉलर्स और टाटा यानी रतन टाटा का नेटवर्थ है 140 बिलियन डॉलर्स। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वह रिचेस्ट पर्सन में क्यों नहीं आता, क्योंकि हर साल टाटा का जो प्रॉफिट होता है उसमें से 66% प्रॉफिट टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज दान कर देती हैं, डोनेट कर देती है। इसीलिए टाटा कंपनी कभी इंडिया के रिचेस्ट कंपनी में भी नहीं आई और वर्ल्ड के रिचेस्ट कंपनी में भी नहीं आई। तो आपको मैं एक बात बताना तो भूल ही गया कि टाटा कंपनी ने लैंड रोवर और जगुआर जब एक्वायर करी थी तो उनका प्रॉफिट 20% से ज़्यादा बढ़ गया था, जो कि पहले वो प्रॉफिट नहीं देती थी कंपनी। और अगर मैं एक्विजिशन की बात करूं तो टाटा कंपनी ने 2000 की साल से दूसरी कंपनियों को एक्वायर करना चाहा था और
2018 आते आते टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने टोटल इन 18 सालों में 25 कंपनियां एक्वायर करी हैं, जो कोई छोटी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए और हमारी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।